मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। पहले शील फाटा नाइस पार्क के पास सड़क हादसा हुआ, उसके बाद वहाँ पे रोड पर, और अब दिवा डंपिंग ग्राउंड के पास एक सड़क हादसा हुआ है। दिवा डंपिंग ग्राउंड के पास भयानक सड़क हादसे में ट्रक और रिक्शे में टक्कर हुआ है। पहले ये तस्वीरें देखें कि टक्कर इतना ज़बरदस्त था कि ऑटो रिक्शा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और ऑटो चालक सहित पैसेंजर घायल अवस्था में रोड पर पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि रिक्शा दीवा से खड्डी की तरफ जा रहा था और जबकि ट्रक खड्डी से दीवा की तरफ जा रहा था और दोनों ट्रक और रिक्शे में आमने सामने से जबरदस्त टक्कर हो गई। इस रिक्शे में चार लोग सवार थे जिनके नाम राजकुमार बिहारी लाल 35 वर्ष, राधा किशोर 50 वर्ष, ये दोनों खरडी के रहने वाले थे, जबकि मुंबई कांदिवली के पंकज राम प्रवेश 40 वर्ष, ये तीनों घायलों का दिवा के एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां इनका इलाज चल रहा है, जबकि एक टुनटुन नाम के व्यक्ति का इलाज कलवा शिवाजी अस्पताल में चल रहा है। बहरहाल इस हादसे में चार लोग घायल हुए हैं। अच्छी खबर ये रही कि किसी की जान नहीं गई है। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक नामदेव आनंदा ठोके को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ की जा रही है कि क्या वाकई में तेज रफ्तार होने की वजह से इन चालकों ने अपना नियंत्रण खो दिया और ये भयानक हादसा हुआ है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।